गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर की जनरल पेपर की क्लास है। इसमें हमने शुरू किया था लास्ट टर्न पे मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री जैसा कि मैंने बताया था, पहली बार पढ़ रहे हैं। यूवी, आईआर, एनएमआर, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप बीएससी में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीट्री पहली बार आपको एमएससी में पढ़ने को मिलती है। और इसका फर्स्ट लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना तो उसे ज़रूर सुने। उसे मैंने बताया था कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री का क्या मतलब है। इट इज़ अ मेथड, रादर एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यह एक एक्यूरेट मेथड है। और इसके अंदर हम करते क्या हैं, बेसिक वो बताया था पिछली टर्न में, हमने बेसिस डिस्कस किए थे। उस बेसिक की मेन चीज़ क्या थी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, कि जो भी मॉलिक्यूल, जो अननोन कंपाउंड है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बीम से एनर्जी देते हैं। 10 से 12 देते हैं हम, ज़्यादा वोल्ट की एनर्जी है, 70 से 72 वोल्ट की एनर्जी देते हैं। तो उस एनर्जी से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो यूँ देखना चाहिए अपने को, एक इलेक्ट्रॉन हमने एनर्जी दी इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आउट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ, बाहर निकला। तो टोटल जब इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं, इसका रिजल्ट लिखते हैं, तो कैसे लिख देते हैं, एम प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन कौन से, एक तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन तो यह, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बताओ ध्यान से देखो इसको, ये मैं कलर से दिखा रहा हूँ। ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो हमने दिया था वो बाहर आया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, तो ओवरऑल टू इलेक्ट्रॉन बाहर आते, कैटायन बन जाता है। इसको भी डिटेल में लूंगा, पहले अपन बात करते हैं पिछली टर्न में हमने क्या पढ़ा था। और देन वी प्लॉट इन द स्पेक्ट्रा, जो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर किसके बीच में, रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस एंड मास अपॉन चार्ज, मास अपॉन चार्ज रेशियो के बीच में एक ग्राफ आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रा। नॉर्मली जो कैटायंस होते हैं उन पे चार्ज 1 होता है, इसलिए जो ये मास अपॉन चार्ज है ये हमें किसके बारे में बताता है, मास ऑफ द पेरेंट आयन, फ्रेगमेंटेड आयन। तो पिछली बार बताया था मैंने कि पेरेंट आयन क्या है, बेस पीक कौन सी होती है, ये सारी एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ नियोपेंटेन। किसकी एग्जाम्पल ली थी हमने, नियोपेंटेन की एग्जाम्पल ली थी। डन। अब एक बार थोड़ा मैं फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस वापस बताता हूँ आपको इसमें आज, और उसको ध्यान से सुनना थोड़ा थोड़ा। उसके मतलब मेटल एक्चुअली क्या होता है, रेडिकल आयन होता है। कौन सा आयन होता है, ये रेडिकल आयन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो आयन कौन सा होता है, रेडिकल आयन। और रेडिकल आयन कैसे बनता है इसको आप ध्यान से देखना, अच्छी तरह देखिए। बेसिक प्रिंसिपल आप ये मान लो, हम बेसिक प्रिंसिपल कर रहे हैं, कोई लिखवाने वाले आज कोई चीज़ नहीं बताऊंगा आपको मैं, पिछली बार थोड़ा बेसिक टर्म्स मैंने लिखाए थे इसके बारे में आपको लेक्चर को। जैसे मेटल है, इसके अंदर पेड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, इसको हमने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन से जब एनर्जी दी तो क्या बनेगा इससे, वी विल गेट, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रह गया और ये एक आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नॉर्मली ऐसे दिखाते नहीं, नॉर्मली जैसे आप बुक पढ़ रहे होंगे, वायर शर्मा की बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर क्या केवल एम प्लस दिखाएगा। एम प्लस एक्चुअली क्या चीज़ है, इट इज़ ए रेडिकल कैटायन। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या बनता है, रेडिकल कैटायन इज फॉर्म्ड इन दिस। क्या बनेगा इसके अंदर, रेडिकल कैटायन बनेगा। इसीलिए मैंने ऐसे बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, देखो ये ब्लू कलर से एक इलेक्ट्रॉन वो निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला, तो ओवरऑल रिमूवल 2 दिखाए थे, एम प्लस बनता है। एम प्लस वास्तव में क्या होता है आप ऐसे समझ सकते हो, ऊपर डॉट लगाया तो आप समझ जाओ बिल्कुल ठीक है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक नॉर्मली पेड इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर, पेड में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल कैटायन। और ये रेडिकल कैटायन जो बन गया, दिस इज द पेरेंट आयन। कौन सा आयन बन जाएगा, ये पेरेंट आयन। अब क्योंकि मेन चीज सुनो ध्यान से, हमें इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 10 से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 10 to 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताऊंगा तो देखना, हम ओवरऑल एनर्जी कितनी दे रहे होते हैं, 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। वास्तव में हम इसको कितनी दे रहे होते हैं, 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं। जब इतनी एनर्जी देते हैं तो एनर्जी काम में आई, पहले फ्रेगमेंटेशन पहले प्रोसेस में इतनी काम आई आयन बदलने में, रेडिकल कैटायन बनने में। जो रिमेनिंग एनर्जी, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कौन सा प्रोसेस करती है, ये जो कैटायन बन गया था, रेडिकल कैटायन था,
इसका फ्रेगमेंटेशन कर देगी। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा इसका? फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस कैटायन। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, जैसे मान लो एम प्लस बी, जनरल में दिखाएं, कोई एग्जांपल ले लिया हमने जनरल लिखा, तो इससे क्या बन सकता है? दूसरा कैटायन बन सकता है, क्योंकि कैटायन रेडिकल है। तो कैटायन रेडिकल को नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं एम वन, लेकिन एम वन बनाए तो साथ में क्या बनेगा इसके साथ? एम टू रेडिकल बनेगा। ऐसे मान लो एम टू कैटायन बनना है तो साथ में क्या बनेगा? एम वन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये चीज थी पहली टर्न पे, मैंने नॉर्मल आपको डायरेक्ट बताया था कैटायन। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ रहे हैं अपन, बेसिक एक बार समझ में आ गया कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोमेट्रोमेट्री। ये लेक्चर सुनने से पहले पहले वाला जरूर आप सुने, तो आपको थोड़ा ये ज्यादा और ज्यादा क्लियर होगा, बन गया चीज। तो ये जितने भी आयंस बनते हैं, कैटायंस पर्टिकुलरली एम प्लस, एम प्लस वन, एम टू प्लस, ये सारे के सारे कैटायन जो हैं ये डिटेक्ट हो जाते हैं डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर कैटायंस को क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। एक्चुअली क्या होता है देखो इस प्रोसेस में, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, बहुत अच्छी तरह आएगा आपको, मैं बिल्कुल डायग्राम बना के आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताऊंगा भी कैसे डिटेल में होता है, लेकिन बेसिक समझो थोड़ा सा कि क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। हम जब देते हैं एनर्जी, कि जो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, दे आर पास्ड बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स विच जो क्या करती हैं, फ्रेगमेंट्स को, जो पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स हैं उनको एनालाइजर में भेज देती हैं। किसे भेज देती है? एनालाइजर में। जितने भी न्यूट्रल फ्रेगमेंट्स, न्यूट्रल इस एग्जांपल में मैंने लिखा न्यूट्रल हो, रेडिकल्स आ गए हैं, नेगेटिवली चार्ज चीजें हैं, उन सब को हम क्या करते हैं? एक वैक्यूम से माध्यम से पंप आउट कर देते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से बाहर निकाल देते हैं। तो केवल पॉजिटिवली चार्ज जो चीजें हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और उनको मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करके अकॉर्डिंग टू मास अपॉन चार्ज क्या आता है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। जो एनालाइजर ट्यूब होती है, तो इसके बारे में डिटेल में तो बाद में बताऊंगा आपको, उसके अंदर क्या करते हैं कि वास्तव में दो बड़े बड़े मैग्नेट्स लगाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है उनको एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घुमाती है। और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली अपन एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन दूंगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसके अकॉर्डिंग उनका रेडियस, रेडियस ऑफ पाथ जो है वो सब तय होता है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको क्लियर। अभी आप केवल ये समझो कि फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ? कि एनर्जी जो दी थी वो ज़्यादा थी, पेरेंट कैटायन बनने के लिए केवल 10 से 12 ही लग। अब ये एक जनरल एग्जाम्पल ली, पिछली बार मैंने नियो पेंटेन का आपको बना के बताया था, आज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ उसे नॉर्मल पेंटेन की, कि वो इसलिए फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकता है, केवल वो ही नहीं और बहुत सारे फ्रेगमेंट इसमें बन सकते हैं। अब मान लो हमने नॉर्मल पेंटेन का एग्जाम्पल लिया जी, तो जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल पेंटेन को हमने एनर्जी दी है यहाँ पर 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो पहले तो क्या बन जाएगा इससे, ये मान लो ये है कितना C5H12 था, इसको पूरा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने क्या लिख दिया C5H12, तो पहले तो क्या बन गया ये C5H12 कैटायन रेडिकल। नॉर्मल बुक्स में आपको केवल कैटायन लिखा मिलेगा, ये रेडिकल नहीं बताते, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपको कैटायन नहीं बनता, कैटायन रेडिकल बनता है। और ये जो कैटायन रेडिकल बना, ये कौन सा आयन बन गया? मॉलिकुलर आयन, पेरेंट आयन, पेरेंट आयन। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? मॉलिक्यूलर आयन। अब ये जो पेरेंट आयन, क्योंकि यहां से यहां एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो केवल कितनी थी? 10 to 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई, रिमेनिंग एनर्जी वो क्या करती है? इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन करती है। अब कौन कौन से फ्रेगमेंट्स देखो मैं बता रहा हूँ आपको, और उनके साथ कैसे, ये जो बताया था M1 प्लस M2 बताया था, इसका क्या मीनिंग था वो देखो। जैसे अब मान लो हमें बन गया इसका C5H12 नॉर्मल, सारे बहुत सारे और इसके जो मैं लिख रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे और फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। मान लो अपनों को मिला CH3+, ये कैटायन रेडिकल था, देखो कैटायन रेडिकल था। अगर CH3+ बना है तो साथ में इसके क्या मिल जाएगा आपको? C4H9 रेडिकल मिल जाएगा, C4H9 रेडिकल पक्का मिलेगा इसके साथ ही। और मान लो दूसरा रेडिकल हमें मिला C2H5 कैटायन,
सी टू एच फाइव कैटायन अगर बना है तो साथ में इसके क्या बनेगा? हालांकि जितने भी सात चीज़ें बनती हैं ये सारी पंप आउट कर दी जाती हैं यूजिंग वैक्यूम, सी थ्री एच सेवन रेडिकल मिलेगा। सिमिलरली मैं डिफरेंट पेन यूज़ करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा, सी टू एच फाइव के बाद मान लो मिला हमें सी थ्री एच सेवन, सी थ्री एच सेवन मिला है तो साथ में क्या मिल जाएगा? प्लस का साइन है, सी टू एच फाइव रेडिकल मिल जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको मिला सी फोर एच नाइन प्लस, सी फोर एच नाइन मिला है तो इसके साथ क्या मिल जाएगा? सी एच थ्री प्लस। इस प्रोसेस को एक्चुअली हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पूरा फ्रेगमेंट। ये मैंने वो फ्रेगमेंट्स लिखे हैं जो कि काफ़ी ठीक थे, सी एच थ्री प्लस, सी टू एच फाइव प्लस, आपको पता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब इस केस में जो ब्यूटाइल मिलेगा ये बाद में पता चलेगा, मैं जो दूसरी एग्जांपल लूंगा। ब्यूटाइल कौन सा मिलेगा? अपने को नॉर्मल ब्यूटाइल मिलेगा। इस बात की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? पिछले टर्न में बता चुका हूँ मैं कि जितना फ्रेगमेंटेशन की जो अबंडेंस है, जो बेस पीक होगी, बेस पीक क्या होगी? जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, जैसे हमने जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है पहली बार ऐसे दिखाया था, उसको क्या मान लेते हैं? रिलेटिव अबंडेंस कितनी मान लेते हैं? उसकी 100, और उसके अकॉर्डिंग बाकी जितनी भी छोटी पीक्स होती हैं उनको हम रिलेटिव अबंडेंस देते हैं। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन जो इधर मास अपॉन ई जब ले रहे होंगे तो जो हाइएस्ट लेवल ऑफ मास अपॉन ई आएगा उसकी पीक की रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मली उसकी पीक की अबंडेंस कम होती है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। कभी कभी क्या हो सकता है, बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है कि उसके अबंडेंस क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये हमें किसके बारे में बताते हैं कि एक बार इस पीक को रिकॉग्नाइज कर लिया, इस पीक को रिकॉग्नाइज करने का मतलब हाइएस्ट एम ई यानी एक्स एक्सिस पे जो हाइएस्ट वैल्यू आई हुई है एम अपॉन ई की, जो हाइएस्ट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? दैट विल रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पेरेंट आयन। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पेरेंट आयन, उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया लेकिन स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिएगा? जितने फ्रेगमेंट्स बने, कौन कौन से फ्रेगमेंट्स बने, उनकी स्टडी, जब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे तो हमें क्लियर होगा। आई होप इतना बताने से आपको फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। अब इस फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में देखो, ये जब आ गया तो हमें अच्छा फ्रेगमेंट्स, ये नहीं जैसे मैंने इसके अंदर ये तीन लिखे, ये नहीं, इसके अलावा बहुत और बन सकते हैं ना, इससे और बन जाएगा, कोई अनसैचुरेटेड बन सकते हैं, कुछ और टाइप के रेडिकल बन सकते हैं, और टाइप के कैटायन बन सकते हैं, फर्दर फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस। अब आपको रिलेटिव अबंडेंस का देखना है। रिलेटिव अबंडेंस पिछली बार मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वन थिंग, एक चीज़ आपको मेन चीज़ बताई गई थी वो क्या थी कि रिलेटिव अबंडेंस डिपेंड करती है कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, जो कैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। मान लो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज़्यादा आई है, तो बहुत ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ? इसका फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। इट इस पॉइंट क्लियर? इसको बहुत ध्यान में रखना है। और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होती है उसको हम कौन सी पीक बोलते हैं? बेस पीक बोलते हैं। कौन सी पीक बोलते हैं? बेस पीक इसको कहा जाता है। डन। अब मैं आपको एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा बेस पीक, है ना, और उस एग्जांपल में कितनी कितनी वैल्यूज आती हैं उससे आपको देखेंगे कि हमें कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल पेंटेन लिया, क्या लिया? नॉर्मल पेंटेन। ओके, मैं नॉर्मल पेंटेन का एक्चुअल स्पेक्ट्रा आपको दिखाता हूँ और उस एक्चुअल स्पेक्ट्रा को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि कौन सी पीक कैसे है कैसे नहीं। ओके, तो ध्यान से देखिए नॉर्मल पेंटेन का स्पेक्ट्रा। ओके, आई हैव अ स्पेक्ट्रा ऑफ नॉर्मल पेंटेन फॉर यू। नॉर्मल पेंटेन का एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा जो है एक्चुअल, पिछली बार तो मैंने नॉर्मल जो नियो पेंटेन का बनाया था जस्ट मैंने पेन से बना के बताया था आपको, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? नॉर्मल पेंटेन, दिस इज द मास स्पेक्ट्रा ऑफ नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन में जितनी पीक्स आई हैं, देखो ध्यान से, देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसके अंदर कि कितनी पीक्स इसके अंदर आई हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो नॉर्मल पेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन में जितनी पीक आई हैं उन सब की रिलेटिव अबंडेंस भी साथ में लिखी हुई है, उन सब की रिलेटिव अबंडेंस साथ में लिखी हुई है। अब देखो जैसे ये पीक है, ये हाईएस्ट है, और इस हाईएस्ट की एम अपॉन ई वैल्यू कितनी दे रखी? 43। कितनी दी है? 43। डन। तो 43
और 43 के सामने देखो 100 वैल्यू दे रखी हमने, कितनी देर की 100%। इसको हमने 100 मानते हुए बाकी सबको क्या दे दिया, इसकी रिलेटिव अबंडेंस दे दी। तो जैसे ये पीक आई हमारे पास, जैसे ही स्पेक्ट्रा आया तो हमें ये पता चला कि मॉलिकुलर वेट कितना है इसका, 72 है। मॉलिकुलर वेट कितना है इसका, 72 है जी। मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस इज 72, क्योंकि 72 ये पेरेंट आयन था। ये कौन सी थी, पेरेंट आयन पीक, जिसको हमने लिखा मॉलिकुलर आयन पीक। ये जो पीक लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो पीक है जिसको हमने कौन सी कहा, मॉलिकुलर आयन पीक। डन। हाईएस्ट अबंडेंस वाली पीक कौन सी थी ये। अब अलग अलग पीक के लिए अब मान लो हमें निकालना है भी किसमें कितना डिफरेंस है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मेन मेथड हम जो करते हैं यूज़, उसको समझने की कोशिश करें। मेन मेथड जो यूज़ करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि मॉलिकुलर आयन, जैसे मान लो कि एम अपॉन ई वैल्यू, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एम अपॉन ई वैल्यू कितनी है, 43। मान लीजिए एम अपॉन ई वैल्यू कितनी है, 43, मास स्पेक्ट्रम कंटेंट, ठीक है। अब ये जो पेरेंट आयन है, पेरेंट आयन कौन सा था हमारे पास, ठीक है, उसके एम माइनस 29 कम है। एम माइनस 29 करेंगे तो 43 आएगा, एम माइनस 29 करेंगे तो क्या आएगा, 43। एम क्या था हमारे पास, मॉलिकुलर आयन की पीक, जिसका वेट क्या, 72। तो एम माइनस 29 करने पर कितना आया, 43 आया। तो 29 का मतलब क्या हो गया, 29, ओके, 29 विल कॉरस्पॉन्ड टू C2H5। 29 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, C2H5। चलो ऐसे ले लेता, मुझे ऐसे आता है, 29 विल कॉरस्पॉन्ड टू C2H5। 29 ने किसको कॉरस्पॉन्ड किया, C2H5। इसका मतलब क्या होगा, इथाइल ग्रुप हैज ए मॉलिकुलर मास दिस, है ना, एंड हैंस इसमें से इथाइल ग्रुप माइनस कर देंगे तो ये पीक आ जाती है 43 की आ जाती है। सिमिलरली बाकी सब पीक्स के लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी पीक कहाँ पर आएगी। अब स्टेबिलिटी की बात करें, दूसरी बात हम किसी करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसी पीक के साथ मैं एक और उसको, क्योंकि बड़ी कॉरस्पॉन्ड है, नॉर्मल पेंटेन इज दिस, और नेक्स्ट मैं स्पेक्ट्रा दिखा रहा हूँ आपको 2-methyl-butane, आइसोब्यूटेन 2-methyl-butane। अब 2-methyl-butane और इसमें मेजर डिफरेंस देखो और आप मुझे बताओ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस मेजर नज़र आ रहा है आपको। ये मैंने लिया स्पेक्ट्रा किसका, 2-methyl-butane, दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ 2-methyl-butane। ये स्पेक्ट्रा किस चीज़ का है, 2-methyl-butane का है जी। कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है इसके अंदर, देखो एक पीक देखो ध्यान से, पॉइंट को समझने के लिए, जो पॉइंट जिसके लिए मैंने लिया है स्पेक्ट्रा, दिस इज, पहली चीज़ तो है कि ये स्पेक्ट्रा किस चीज़ का है, दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ, ये वाला स्पेक्ट्रा जो है ये किसका है, आइसो पेंटेन का है। इस आइसो पेंटेन के स्पेक्ट्रा में सी द पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू एम अपॉन ई वैल्यू 57। एम अपॉन ई वैल्यू 57 जो है, देखो ध्यान से देखो 57, और इसमें देखो 57, कुछ डिफरेंस नजर आया आपको, वहां 57 की रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम है और यहां 57 की रिलेटिव अबंडेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या फर्क आया, ये तो मेरे नॉन कंपाउंड है, इसको अननोन के रूप में हो गए तब हमें तो आइडेंटिफाई करना होगा ना कंपाउंड कौन सा। अभी तो हम नॉन लेके एग्जांपल की बात डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या था, 57। अब आप बताओ कि 57 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 57 कॉरस्पॉन्ड्स टू 57 का बार चुप करता है C4H9। 57 का मतलब क्या हो गया, C4H9 आपको पता है ब्यूटाइल, मैंने बताया था रिलेटिव अबंडेंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी, डिपेंड्स किसके करता है, स्टेबिलिटी की। अब देखो यहाँ पर भी ब्यूटाइल है, यहाँ पर भी ब्यूटाइल है, रिलेटिव अबंडेंस में दिन रात का अंतर है। कारण क्या हुआ कि जब नियोपेंटेन ले रहे हैं तो जो ब्यूटाइल बनेगा, दैट ब्यूटाइल विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके अंदर ब्यूटाइल कौन सा बनेगा, ये देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा, एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल इज मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल की कंपेरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इसकी पीक में डिफरेंस है। अब क्या है कि अब आपको सर ये तो पता था हमको, क्योंकि अभी हम नॉन एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही स्पेक्ट्रा जो हमारे पास अननोन के रूप में होंगे तब निकालना मुश्किल। तो अननोन के रूप में हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं भाई मेन ग्रुप कौन सा है जी, मेन ग्रुप कैसे निकलेगा, हाईएस्ट जो राइट हैंड साइड में पीक आई है वो पीक कितनी छोटी हो, उससे हमें क्या आइडिया हो जाएगा, दैट विल गिव नॉट आइडिया एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास दे देगा, दैट पीक कैन बी स्मॉलर, दैट पीक कैन बी
बिट लार्जर, बहुत ज़्यादा लार्जर कभी नहीं होती है, ठीक है। लार्ज पीक कौन सी आएगी, जैसे इसके अंदर 57 पे लार्ज पीक आ रही है, 43 पे दोनों पे आ रही है, 43 पे दोनों में पीक ज़्यादा है, तो 43 किसके कॉरस्पॉन्ड है, अभी अपने देखा था 43 का मतलब क्या हो गया, भारतीय छत्तीसगढ़ प्रोपाइल, दोनों केसेस में जो प्रोपाइल आ रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। उसमें भी देखो उसके अंदर जो प्रोपाइल आ रहा है वो नॉर्मल प्रोपाइल आएगा, इसके अंदर आएगा अपने पास आइसोप्रोपाइल, तो दोनों के स्टेबिलिटी में फर्क आने के कारण उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है दोनों में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। डन, ये बात हुई नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन का हमने कंपैरिजन किया इसके अंदर। अब और बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, ये मैंने एक्चुअली क्या थोड़ा सा इसको बाद में लेते हैं, मैंने पहले इसलिए लिया ये एग्जाम्पल नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, इसकी एग्जाम्पल मैंने इसलिए ली ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए इसके अंदर कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। अभी मैंने कुछ विशेष नहीं बताया आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, अभी भी केवल क्या बताया, केवल बेसिक टर्म बताए हैं, तो पहले दो लेक्चर में केवल अपने बेसिक टर्म लिखे, इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो और बातें होंगी वो सारी मैं लिखवा दूंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन लिखो आज के लिए, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप बताना मेरे को कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ 2,2-dimethylpropane 2,2-dimethylpropane फ्रॉम पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। तो पेंटेन आइसोपेंटेन मैंने बताई है कि ये पेंटेन, देखो इसको यूट्यूब में लो, ये पेंटेन और दूसरा मैंने किया ये आइसोपेंटेन। क्वेश्चन मैंने दिया ये वाला कि इन तीनों के मास स्पेक्ट्रम में, तीनों के जो राइट हैंड साइड है मोस्ट राइट हैंड साइड में पीक आएगी, एम पॉन वैल्यू किस पे आएगी, साइड 72 पे आएगी, तो इनमें क्या डिफरेंस आप देखते हो, कैसे डिस्टिंक्शन कर पाओगे इसमें, ये बताने के लिए कि नॉर्मल पेंटेन है आइसोपेंटेन है नियोपेंटेन है। तो इसको कोशिश करना समझने की, एक एग्जांपल दिए मैंने आपको, होमवर्क दिया आज के लिए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2-methylpentane 2,2-dimethylpropane एंड नॉर्मल पेंटेन यूजिंग मास स्पेक्ट्रम। एक और एग्जांपल लिख लो, राइट ऑन वन मोर एग्जांपल, और वो एग्जांपल क्या लिख रहे हैं, व्हाट वैल्यू वुड यू प्रेडिक्ट फॉर द बेस पीक पूछ रहा हूं, फॉर द बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रम ऑफ 3-methylpentane। वैल्यू बतानी है आपको केवल कि 3-methylpentane, समझ गया आप बात, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 3-methylpentane, तो 3-methylpentane में बेस पीक की क्या वैल्यू आएगी ये आपको बतानी है। डन, बेस पीक का मतलब आप जानते हो। तो फर्स्ट टू लेक्चर में अभी भी हमने केवल क्या सीखा है, जनरल, अभी कोई स्पेसिफिक बात नहीं ली है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इन दो क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा आपसे, इन दो क्वेश्चन के आंसर के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन की, अब बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर ही बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है पूरा आपको बताऊंगा अच्छी तरह, और आपको अच्छा लगेगा उसको पढ़ के कैसे होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।